バゲシュワリダム J。 20年前から、インドに、50回来てます。पिछले 20 सालों में इन्होंने लगभग 50 बार भारत का भ्रमण किया है, 50 बार आए हैं ये। それは神を見たくてずっとずっと来てました。जब से वो भगवान की तलाश में आए थे, लेकिन इस बार इनका पूरा हो गया। バゲスワリ、ブリッジを、YouTube で見たときに、私はハヌマンを見ました。जब बागेश्वर गुरुजी को इन्होंने YouTube पे देखा, तो इनको ऐसा लगा कि ये हनुमान है। गुरुजी の奥にハヌマンを見ました。गुरुजी のここにハヌマン見ました。गुरुजी को दिल में इन्होंने हनुमान देखा। ये कह रहे थे कि मुझे मतलब मैं बोल नहीं पाऊंगी, जो जो मैं मतलब जो फीलिंग है मैं बोल नहीं पा रही हूँ, तो एकदम मतलब स्पीचलेस हो चुके हैं। ऐसा उन्होंने बैठ करके भी बोला था कि मैं बोल नहीं पाऊंगी उनके सामने, और ये बहुत खुश हैं भारत आकर के और गुरुजी से मिल करके। उनका आशीर्वाद कल उन्होंने लिया, इनका मतलब अभिभूत हो गई, जाना भी नहीं चाह रही, लेकिन कल इनको दिल्ली पहुँचना है इसलिए निकलना पड़ेगा। इसलिए समय के बाद गुरु जी को बहुत बहुत कोटि कोटि प्रणाम।日本の今若い人たちは神を知りません。だからすごく、ネガティブです。なので一回日本にこの YouTube でもグルジーの、存在を。अभी जापान में जो न्यू जनरेशन है, उनको ये पता नहीं है स्पिरिचुअल के बारे में, तो YouTube के माध्यम से ये सारे कलेक्ट करके और वहाँ के लोगों को जाके ये बताना चाहती हैं। बागेश्वरी धाम की जय। बागेश्वर धाम की जय। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। थैंक यू। हरि ओम पासादा ससुमादे मद्भूतं प्रियामेन्द्रसिया काम्याम्मा सालेम मेधामाया सिगग्गुचवाहा जामे धान्दे वगणाः पितारश्यो पासादे ताया मा मदिया मेधायाग्ने मेधाविनं कुरुस्वाहा एधां मे परुणो दधातु मेधामग्नेः प्रजापतेः मेधामेन्द्रस्य वायुश्च मेधां धाता दधातु मे स्वाहा विश्वानि देवासामि तत्तुरेता रेपारासुवा जजदभद्रान्तान्न आसुवा द्यौः शान्तिरान्तरिक्षगो शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोखधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वेदेवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वज्ञो शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि जतो यतः समीहसे ततो नो अभयं कुरु शन्नः कुरु प्रजाभ्यो भयन्नः पशुभ्यः शान्तिर्भवतु। हरि ओम सहस्राशी रेखा पुरुखः सहस्राक्षः सहस्रपादः सभूमिग्गो सर्वादशप्रतवा यतिष्ठद्दशाङ्गुलाम् पुरुख एवेदग्गो सर्वं जगद्भूतं जच्चाभाव्यम् उतामृतत्वशये सानो जदन्ने नातिरोहति एतावानश्य महिमातो
ज्यायाश्च पुरुखाः पादोऽस्यभ्यश्वा भूतानि त्रिपादशीया मृतं देवे त्रिपादूर्ध्वा उदयेत् पुरुखाः पादोऽस्येहा भवत् पुराः ततो भिकवन् व्यकरामस्सारा नाशाने अभि ततो विराडजा यदभिराजो आदिपुरुखाः सजातो अत्यार्च्यता पश्या भूमिमथो पुराः तस्माद्यजन्यात् सर्वाहूताः सम्भृताम्बृखदाज्याम्मा पशुस्ताश्चक्रे वायव्या नारण्या ग्राम्याश्च जे हरि ओं मा भोले भट सीताराम भोले बागेश्वर धाम सरकार की पूज्य गुरुदेव भगवान सन्यासी बाबा की जय बद्री विशाल की। सर्वप्रथम हम आप सभी पावन तीर्थ के इस पांच दिवसीय मंगलमय के आयोजन में तीन दिवसीय कथा में हम आप सभी विराजमान हुए, आप सभी मेरे स्थान पर विराजमान हो जाएं। सर्वप्रथम हम आप सभी आज के प्रथम दिवस की मंगलमय पावन आरती में हम आप सभी प्रवेश करते हैं। हम आमंत्रित करते हैं नेपाल से चतराधाम से जगत गुरुदेव भगवान महायोगी सिद्ध बाबा महाराज जी के चरणों में प्रणाम करते हुए बिना माग्रह पावन आरती में आप पधारें। संत श्री बालक योगेश्वर दास पूज्य महाराज जी के चरणों में प्रणाम करते हुए बिना माग्रह पावन आरती में आप पधारें। पूज्य महाराज श्री धर्मराज भारती जी के महाराज जी के चरणों में प्रणाम करते हुए आपसे बिना माग्रह पावन आरती में आप पधारें। श्री विष्णु शरण जी महाराज वृंदावन धाम से पधारे हैं, आपके चरणों में प्रणाम करते हुए बिना माग्रह पावन आरती में पधारें। श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर बाबा बर्फानी जी के चरणों में प्रणाम करते हुए पावन आरती में आप पधारें। पंडित श्री आशीष वैदिक जी महाराज जी से आग्रह है पावन आरती में आप पधारें। पंडित श्री प्रशांत आचार्य जी के चरणों में प्रणाम करते हुए बिना माग्रह पावन आरती में आप पधारें। कुर्सी पर विराजमान जो संत भगवान हैं उनसे भी बिना माग्रह के पावन आरती में आप पधारें। एवं मुख्य यजमान प्रधान यजमान अमेरिका से ओम शर्मा जी प्रधान यजमान हैं, लेकिन वो आ नहीं पाए, उनकी माता का स्वर्गवास हुआ है इस कारण से वो नहीं आ पाए, प्रधान यजमान हैं वो। एवं बीना बहन पटेल प्रधान यजमान हैं, आपसे आग्रह है कि आप पावन मंच पर आरती में आ जाएं। मुख्य यजमान राजस्थान से ओम वैष्णव जी हैं एवं उनके परिवार सहित बिना माग्रह है पावन मंच पर आप आ जाएं। सह यजमान श्री जयवीर माता शकुंतला देवी दिल्ली से हैं, आपसे आग्रह है पावन आरती में आप आ जाएं। श्री आलोक कुमार जी से आग्रह है कि आप सहजनावास से हैं कि आप भी पावन आरती में आ जाएं। श्री सत्यनारायण बंगाल से हैं, आपसे आग्रह है पावन आरती में आप पावन मंच पर आ जाएं। रांची से श्री अशोक कुमार जी राय जी हैं। नागपुर से मैया दीप्ति जगदीश दीवानी जी, आपसे आग्रह है पावन आरती में आ जाएं। एवं जो 25 यजमान हैं जो नीचे से आरती करेंगे, आरती के बाद क्रमशः एक एक करके हम सभी को मंच पर बुलाएंगे और गुरुदेव भगवान से आशीर्वाद दिलवाएंगे, क्योंकि मंच छोटा है इस कारण से आप सभी नीचे से आरती करेंगे। आइए चलते हैं मंगलमय पावन आरती में। जय श्री राम। हरि ओम श्री ज्वालामालिनी नमः श्री रत्नेश्वरी नमः सर्वोपचारार्थे गंधाक्ष पुष्पाणि समर्पयामि। हरि ओम चंद्रमा मनसोज्जात चक्षोः सोज्जो अजायत श्रोतां द्वादश प्राणश्च मुखार्धमिरजायत। जय लक्ष्मी रमणा मैया, जय लक्ष्मी रमणा, सत्यनारायण स्वामी सत्यनारायण स्वामी जनपातक हरणा। ओम जय लक्ष्मी रमणा
आसन अद्भुत छवि राधे स्वामी अद्भुत छवि राधे नारद करत निरंजन नारद करत निरंजन कर्णा धुनि बाजे ओम जय लक्ष्मी रमण प्रगट भये कलि कारण तुझको दरस दियो स्वामी तुझको दरस दियो हस्ताभ्याम ज्योति वंदनम आराधिक ग्रहणम हस्त प्रक्षालनम मंत्र पुष्पांजलि हरि ओम
जतनेन यत्नमय चंद देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न देहनाकां महिमानस्त चंद जत्र पूर्वे साध्यास्सन्ति देवाः ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् नाना सुगंध पुटपाणि यथा कालोद्भवानि जा पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त गृहाण परमेश्वर चरण कमलेषु मंत्र पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। भोले बागेश्वर धाम सरकार की, पूज्य गुरुदेव भगवान सन्यासी बाबा की, बद्री विशाल की जय जय श्री राम। आप सभी अपने स्थान पर विराजमान हो जाएं। जो पावन मंच पे यजमान है पहले वो गुरुदेव भगवान से आशीर्वाद लेंगे, इसके बाद फिर जो नीचे यजमान है क्रमशः एक एक करके आप भी गुरुदेव भगवान से आप आशीर्वाद लेंगे और दूर से ही प्रणाम करेंगे। आरती की जो थाली है आप साइड में जाकर के यहाँ ब्राह्मण देवताओं को दे दें। एक एक करके आराम से ही आप सभी को और नीचे प्रस्थान करना है। जो बाहर भी खड़े हैं वो भी विराजमान हो सकते हैं, सभी से विनम्र आग्रह है। नर नारायण पर्वत के मध्य स्थित भगवान बद्री विशाल अलकापुरी से प्रकट हुई माँ अलकनंदा का पावन तट भूबैकुंड के रूप में विख्यात भगवान बद्री विशाल। भगवान विष्णु ने लंबे समय तक इस भूमि पर तपस्या की। माँ लक्ष्मी ने बद्री वृक्ष के रूप में भगवान विष्णु की रक्षा की। तभी भगवान विष्णु ने माँ लक्ष्मी जी को आशीर्वाद दिया कि आज से इस क्षेत्र को बद्रीनाथ के नाम से जाना जाएगा। भगवान विष्णु का पद मंदिर गया जी में है और हृदय स्थल हरिद्वार में है। भगवान विष्णु का सिर बद्रीनाथ में है और इस पावन तीर्थ की एक महिमा और है। पित्त तर्पण ब्रह्म कपाल में पितरों को मोक्ष दिलाने के लिए यहाँ पर होता है और यहीं से 3 किलोमीटर दूरी पर भारत का प्रथम गांव माना गांव है, जहाँ पर वेद प्राणों की रचना हुई, श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना हुई और महाभारत के बाद पांडवों ने यहीं से स्वर्ग के लिए प्रस्थान किया था। ऐसे पावन तीर्थ बद्रीनाथ धाम की भूमि में आप सभी का स्वागत वंदन अभिनंदन करते हैं एवं घर बैठकर संस्कार चैनल के माध्यम से, बागेश्वर धाम चैनल के माध्यम से देख रहे भारत के और देश विदेश के सभी भक्तों का बागेश्वर धाम परिवार की ओर से स्वागत वंदन अभिनंदन करते हैं। मुख्य यजमान परिवार, सहयजमान परिवार, प्रधान यजमान परिवार और सभी यजमान परिवार, सभी बागेश्वर धाम परिवार के ही सदस्य हैं जो आज विराजमान हैं और आप ही के संकल्प से हम आप सभी बद्रीनाथ धाम की पावन भूमि में बैठे हैं और गुरुदेव भगवान के चरण शरण में बैठकर 3 दिवसीय विष्णु भगवान नारायण भगवान के महिमा के चर्चा पर हम आप सभी कथा श्रवण करेंगे। ये हम सबका परम सौभाग्य है। 5 दिवसीय कार्यक्रम में हम आप सभी लगातार पिछले 2 दिनों से पार्थिव शिवलिंग निर्माण के साथ साथ अभिषेक भी कर रहे हैं और हवन भी यज्ञ भी कर रहे हैं और साथ ही अब 3 दिन तक आज से गुरुदेव भगवान के मुखारविंद से कथा श्रवण करेंगे। ये हम सबका परम सौभाग्य है। गुरुदेव भगवान ने ही ये संकल्प लिया था कि हर 6 महीने में हम अपने परिवार को चारों धाम की यात्रा तो करवाएंगे और यात्रा के साथ साथ ऐसे पावन तीर्थ भी लेकर जाएंगे
जिसे उन सभी को लाभ हो पाए, पुण्य फल प्राप्त हो और साथ में गुरुदेव भगवान के भी दर्शन हो। तो पूर्व में हम आप सभी रामेश्वरम की यात्रा में गए थे और रामेश्वरम की यात्रा के बाद अब बद्रीनाथ धाम की चारों धाम की प्रथम यात्रा प्रारंभ हो चुकी है। अब यहां से हम आप सभी फिर 6 महीने बाद गुरुदेव भगवान का आदेश होगा तो जगन्नाथपुरी और जगन्नाथपुरी से द्वारकाधीश और द्वारकाधीश से रामेश्वरम की यात्रा हम आप सब करेंगे। लेकिन अभी बीच में पितृपक्ष प्रारंभ हो रहे हैं, 15 दिन हमारे पूर्वज के प्रारंभ हो रहे हैं, सितंबर माह में प्रारंभ हो रहे हैं। पितरों के निमित्त में हमें कोई भी समस्या होती है, कभी कभी हमें पता नहीं चलता किस कारण से हमारे मंगल कार्य रुक रहे हैं या हमारे परिवार में समस्याएं आ रही हैं, तो वह पितृ दोष के लक्षण होते हैं। तो गुरुदेव भगवान कर रहे हैं कि पिछले वर्ष गुरुदेव भगवान पितृपक्ष में गयाजी में थे, अब क्या पुनः गुरुदेव भगवान गयाजी में जाएंगे? पितरों के निमित्त में पुनः गुरुदेव भगवान के दर्शन होंगे? तो गुरुदेव भगवान का कल ही आदेश हुआ कि हाँ, हम अपने परिवार के साथ पुनः गयाजी में जाएंगे, पितृपक्ष में जाएंगे और 26 सितंबर से 2 अक्टूबर तक यानी कि 7 दिन तक पितृपक्ष में गयाजी में आप सभी और यजमान परिवार भी रहेंगे। उन 7 दिनों में 5 दिन तक हम आप सभी गुरुदेव भगवान के भी दर्शन करेंगे। जगह वही है जहां पिछले वर्ष थे, जो गए थे, पूरी व्यवस्थाएं वही है। उसके लिए आप अधिक जानकारी के लिए पितृपक्ष के लिए कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं और जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और फिर पुनः उसके बाद गुरु भगवान का आदेश होगा तो पितृपक्ष के बाद 6 महीने बाद हम आप सभी जगन्नाथपुरी की यात्रा में गुरुदेव भगवान के साथ चलेंगे। इसी के मध्य में ही अभी हाल ही में बागेश्वर धाम पावन तीर्थ पर ऊर्जा संचय समागम 3 दिवसीय कार्यक्रम हुआ था। काफी शिष्य गुरुदेव भगवान के रह गए थे और उनके काफी लोगों के रजिस्ट्रेशन भी हैं और रजिस्ट्रेशन अभी प्रारंभ भी है। तो 24, 25 और 26 जुलाई 3 दिवसीय ऊर्जा संचय समागम ऋषिकेश की पावन धरा में होने जा रहा है। जिनके रजिस्ट्रेशन है वो संपर्क करें कार्यालय में, या जिनके चल रहे हैं वो भी कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं। तो 5 दिन तक हम आप सभी यानी कि 19 तारीख तक आज तृतीय दिवस है और कथा का प्रथम दिवस है, तो यानी कि 5 दिन तक हम आप सभी बद्रीनाथ की पावन पवित्र पावन तीर्थ में हम आप सभी विराजमान हैं। और हम सबका सौभाग्य है कि बागेश्वर नाथ के साथ बद्रीनाथ की यात्रा हम आप सभी कर रहे हैं और साथ में ही संत भगवान भी हमारे मध्य में विराजमान है, संत भगवान के दर्शन कर रहे हैं। ये हम सबका परम सौभाग्य है। हर जगह से संत भगवान हमारे बीच में मौजूद हैं और हमारे बीच में ही चतरा धाम से नेपाल से ही पूज्य महाराज श्री जगत गुरुदेव भगवान विराजमान है, जिन्होंने 5 वर्षों तक यहाँ पर हिमालय पर्वत पर जाकर के तपस्या की और 8 वर्ष तक हिमालय पर्वत पर भी गए। इसके बाद नेपाल में ही जगत गुरुदेव भगवान ने तपस्याएं की और जगत गुरुदेव भगवान महायोगी सिद्ध बाबा भगवान के चरणों में प्रणाम करते हुए आपसे विनम्र आग्रह है, आप अपनी वाणी से हम सब पर कृपा करें। पूज्य जगत गुरुदेव भगवान। ॐ वन्दे विदेहतनया पदपुण्डरीकं कैशोरसौरभसमाहृतयोगिचित्तं हन्तुं त्रितापमनिशम् मुनिहंससेव्यं सन्मानशालिपरिपीत
परागपुञ्जं लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये अतुलितबलधामं हेमशैलावदेहं धनुजवनकृशानं ज्ञानिनामाग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानरानामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं बातजातं नमामि सीतानाथ समारंभां रामानंदार्य मध्यमां अस्मदाचार्य प्रियंतां वंदे गुरु परंपरां। बोलिए पत्र विशाल भगवान की। आइए दो शब्द सभी बद्रीनाथ की कीर्तन करेंगे। श्री राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम श्री राम जय राम जय जय राम राम जय राम जय जय राम श्री राम